तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे आज। तो देखना, इसमें जो पहला प्रॉब्लम है, गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स विद स्पीड, स्पीड के साथ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, ये मीटर पर सेकेंड में, ये क्या है, स्पीड दिया हुआ है आपको, ये क्या दे रखा है बेटा, स्पीड दे रखा है, और ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, ये स्पीड है और ये पार्टिकल्स है, ठीक। तो कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दूसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तीसरा एवरेज स्पीड। ये वेलोसिटी है बेटा, ये वेलोसिटी है, ये यहां तीन है, ये सब क्या है, वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी वन के करेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल दो, यानी दो पार्टिकल एक मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं, चार पार्टिकल दो मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, छह पार्टिकल तीन मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, एट पार्टिकल फोर मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, थ्री पार्टिकल फाइव मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और वन सिक्स मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका हमको क्या करना है, ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। तो पहला ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होता है द वेलोसिटी गेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, इन सब में वो वेलोसिटी जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या करता है कि मूव करवाता है, वो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी द स्पीड गेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, वो स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कौन सा स्पीड है जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल मूव कर रहे हैं, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितने पार्टिकल मूव कर रहे हैं, 8, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो अब देखना, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में VMP हमको निकालना है, द वेलोसिटी गेन बाय या स्पीड गेन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी इसका जो आंसर आएगा PMP 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें कितने पार्टिकल मूव कर रहे हैं, 8 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, आंसर हो गया पहले नंबर का। और दूसरा क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS हमको निकालनी है। अब VRMS निकालना मुझे, तो VRMS के लिए फार्मूला आपको पता है, VRMS रूट में कितना, N1 V1 स्क्वायर, N2 V2 स्क्वायर, कितने हैं, 6 है ना, 6 तक चलेंगे, प्लस डॉट डॉट N6 V6 स्क्वायर, बाई नीचे कितना लिखेंगे हम, कितना, वो N का मतलब केवल L नहीं, N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट N6 तक चलेंगे हम, यानी N1 N2 N3 प्लस डॉट डॉट N6 तक चलेंगे हम। तो चलिए हम सारी वैल्यूज रखते हैं, तो VRMS विल बी इक्वल टू, चलो 6 नंबर तक है, तो दो पार्टिकल कितने वेलोसिटी से चल रहा है, 1 प्लस 4 पार्टिकल कितने वेलोसिटी चल रहे हैं, बोलो, ये बात समझ पा रहे नहीं, यहां पर देखो अब लोग, ये देखो ये क्या है, N1 N2 N3 N4 N5 N6 V1 V2 V3 V4 V5 V6 लिखते जाओ ना, तो कितना हो जाएगा, बोलू तो देखना, N1 है ना, N1 कितना है, 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 8 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 1 × 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1
इतना आएगा, तो वी आर एम एस विल बी इक्वल टू रूट में इसे कैलकुलेट कर लो, 2 × 1 + 4 × 4 + 6 × 9 + 8 × 16 + 3 × 25 + 1 × 36 डिवाइडेड बाई, ये बोलोगे 8 × 6 = 14 14 × 3 = 17 18 18 × 4 = 22 24 हो जाएगा। वी आर में जस्ट कैलकुलेशन है, इसे आप ऐड कर लो, आई थिंक शायद 311 आएगा, 311/24 ये मीटर पर सेकेंड, इसे कैलकुलेट कर लेना, गलती भी होगी तो माफ करना आप लोग, ठीक है ना, आप अपने से इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, ठीक, ये आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर जानते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, तीसरा नंबर एवरेज स्पीड वी ए वी कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो आपको पता है, वी नो दैट वी ए वी का फॉर्मूला कितना होता है, N1V1, N2V2, N3V3, N4V4, N5V5, N6V6 डिवाइड बाई N1, N2, N3 + …N। ठीक, तो VAV कितना हो जाएगा, 2 × 1, उसके बाद 4 × 2, 6 × 3 + 8 × 4 + 3 × 5 + 1 × 6 डिवाइड बाय 2, 4, 6, 8, 3, 1 वी एवरेज कितना आएगा, वी एवरेज कितना है भैया, 81/24 इसे सॉल्व करो, 27/8 मीटर पर सेकंड आएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक बेटा। तो कहो मैं कुछ और क्वेश्चन इसी में करा देता हूँ, तो देखना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल एंड आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी, के की वैल्यू आपको दे रखा है और अवोगाड्रो नंबर भी दे रखा है। चलिए, हमको पता है वीएमपी विल बी इक्वल टू कितना होता है, 2 kT/m, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। चलिए, तो सबसे पहले यम हम निकालेंगे, यम विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय अवोगाड्रो नंबर होता है, मास ऑफ द गैस क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय अवोगाड्रो नंबर। अगर मैं यहां से मैं निकालूंगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, अवोगाड्रो नंबर इतना होता है, ठीक, तो इसे मैं कट कर दूं, 1/3 × 10⁻²³ ये ग्राम में आएगा। अगर मैं इसे केजी में बनाऊं तो 1/3 × 10⁻²⁶ kg, ठीक, तो ये यम मुझे मिल गया। तो वी एम पी विल बी इक्वल टू रूट में, मैं इसे सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, ये 2 हो जाएगा, के की वैल्यू मुझे पता है अवोगाड्रो, वो के की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 1.38 × 10⁻²³ कोल्बन कांस्टेंट है ना, इतना होता है,
और अब्सोल्यूट टेम्परेचर एट एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है? 273 होता है, डिवाइड बाय एम की वैल्यू मिल चुका है 1/3 × 10⁻²⁶ kg। बस इसे जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका होगा VMP will be equal to 6 × 1.38 × 10³। इसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, ऊपर नीचे सॉल्व कर दिया, ये आया 1503.46 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट में आएगा EMP। ठीक, आंसर हो गया हमारा। सेकेंड नंबर, रूट मीन स्क्वायर क्या है? आरएमएस स्पीड मतलब VRMS। तो 3 kT/m, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। और जो VMP होता है हमारा कितना होता है? 2 kT/m। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट में 3/2 × VMP। इसको सॉल्व कर लो, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नहीं कर पाओगे क्या इन दोनों के बीच रिलेशन? दिखाऊं, VRMS by VMP 3 kT/m, रूट में कितना? 2 kT/m, सब कट जाएगा, आएगा 3/2 VRMS VMP VRMS will be equal to root में 3/2 VMP। It's very easy। तो VRMS will be equal to कितना होगा? रूट में 3/2 VMP। रूट में 3/2 VMP वैल्यू मुझे पता है 1503.476। इसकी वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू होती 1.732, इसकी वैल्यू 1.414 1503 × 3 × 476। इसे हम कैलकुलेट कर लें तो आएगा 1841599 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा आंसर। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ होगा। तो आज बस इतना ही, ठीक है बेटा।